22 जनवरी की तारीख करीब आ रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन इसमें शामिल होगा और कौन नहीं शामिल होगा। कांग्रेस ने बुधवार को कई दिनों से पूछे जा रहे सवाल का आखिरकार जवाब दे दिया और जब से कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम में जाने से इनकार किया है। कांग्रेस ने बयान जारी करते हुए कहा कि भगवान राम की पूजा करोड़ों भारतीय करते हैं, धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने सालों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया। साफ है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि साल 2019 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि मंदिर में कौन आए कौन ना आए, ये बताने वाले आप कौन हैं? प्रभु राम जब अयोध्या लौटे तो आम प्रजा उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी की एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं कि ये आएगा वो नहीं आएगा? वही विश्व हिंदू परिषद ने पुष्टि की है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी भी शामिल होंगे। पहले ऐसी खबरें आई थी कि अडवाणी समारोह में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के अलावा दो शंकराचार्यों ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार किया। हालांकि दो शंकराचार्यों ने बयान जारी कर कहा कि सब इस समारोह में शामिल हो। शंकराचार्य का महत्व मान्यताओं के मुताबिक, दरअसल शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों को सम्मान और आस्था की नजर से देखा जाता है। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या के लिए भी जाना जाता रहा। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चार मठों की स्थापना की थी। इन मठों का काम था धर्म का प्रचार प्रसार। ये चार मठ कुछ इस प्रकार है: श्रृंगेरी मठ कर्नाटक, शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज, गोवर्धन मठ पुरी ओडिशा, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज, शारदा मठ द्वारका गुजरात, शंकराचार्य सदानंद महाराज, ज्योतिर्मठ बद्रिका उत्तराखंड, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज। इन मठों का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। अब ऐसे में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय हुई है तो शंकराचार्य से भी रुक जाने की कोशिश हुई। आखिर शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं? ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि देश के चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल नहीं होंगे। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुताबिक ये आयोजन शास्त्रों के अनुसार नहीं होगा। हालांकि श्रृंगेरी मठ की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि शंकराचार्य भारती तीर्थ की तस्वीर के साथ संदेश डाला जा रहा है, जिससे महसूस होता है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई संदेश शंकराचार्य की ओर से नहीं दिया गया, यह गलत प्रचार है। श्रृंगेरी शंकराचार्य की ओर से अपील की गई है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो। हालांकि शंकराचार्य खुद अयोध्या जाकर शामिल होंगे या नहीं, इस बारे में बयान में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताया गया। वही शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद कहते दिख रहे हैं कि रामानंद संप्रदाय का अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोग वहाँ से हटकर रामानंद संप्रदाय को प्रतिष्ठा से पहले सौंपे। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्म शास्त्र भी नहीं होना चाहते। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्म शास्त्र भी नहीं होना चाहते। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हाल ही में कहा था कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है। वो कहते हैं कि चारों शंकराचार्य किसी राग या द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों की दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है, मंदिर अभी पूरा बना नहीं है और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अचानक करना पड़े। कभी वहाँ रात में जाकर मूर्ति रख दी गई थी, वो एक परिस्थिति थी। 1992 में जब ढांचा ढहाया गया तब कोई मूर्त थोड़ी देखा जा रहा था। तब किसी शंकराचार्य ने प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि तब ऐसी परिस्थिति थी। शंकराचार्य बोलते हैं कि आज हमारे पास मौका है कि हम अच्छे से बनाकर प्रतिष्ठा करें, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम एंटी मोदी नहीं हैं। धर्मशास्त्र के हिसाब से ही हम स्व चलना चाहते हैं, जनता को चलाना चाहते हैं। ये हमें धर्मशास्त्र नहीं बताया है। जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से हम प्राण प्रतिष्ठा भी जानते हैं, इसलिए कोई शंकराचार्य वहाँ नहीं जा रहा। वही शारदा पीठ के शंकराचार्य की ओर से इस बारे में सोशल मीडिया पर एक बयान साझा किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए हमारे गुरुदेव ने कई कोशिश की थी, 500 साल बाद ये विवाद खत्म हुआ। बयान में कहा गया है कि हम चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह वेद शास्त्र धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए। हालांकि इस बयान में भी नहीं बताया गया कि द्वारका मठ के शंकराचार्य खुद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या नहीं। अब सवाल तो बहुत सारे हैं, कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा, लेकिन अगर शंकराचार्य इस तरह के बयान दे रहे हैं तो यानी कुछ तो इसमें बात होगी। अब ये जाएंगे नहीं जाएंगे तो खैर 22 तारीख को ही पता चल पाएगा।